Good morning, students. Welcome to the computer class. I hope that all of you are in good health and safe at your home. Students, today I will be teaching you chapter 10 and we will be moving further in this chapter. Okay, so let's get started. So, before going further in this chapter, let's just revise a few points that we read in this chapter. So, we started this chapter with the control structures. So, in Python, we have different control structures. Basically, there are three control structures that are first is sequential control structure, second one is conditional control structure, third is loop control structure. So, in sequential control structure, what happens is all the actions, that is, if there are one action or more than one action, then all the actions are performed in a particular sequence okay so actions can include input process and output so basically all the actions must be executed and none of the action cannot be skipped then comes conditional control structure so as the name suggests this condi this structure depends upon some condition so in this, an action is to be performed based on a particular condition. The third control structure is loop control structure. So, basically, in loop control structure, a program is enabled to perform one or more actions repeatedly as long as a certain condition is met. बेसिकली इसमें क्या होता है कि हमारे पास एक या एक से एक, एक्शंस को हमें तब तक रिपीट करना पड़ता है जब तक हमारी एक पर्टिकुलर कंडीशन फुलफिल नहीं हो जाती सो नाउ द अदर टॉपिक इज इंडेंटेशन इन पाइथन सो हमने ये पढ़ा था कि पाइथन के अंदर हम जो स्ट्रक्चरिंग है वो इंडेंटेशन के थ्रू करते हैं क्या करते हैं हम बेसिकली हम जो भी हमारे पास कोड ब्लॉक्स होते हैं वो इंडेंटेशन के थ्रू डिफाइन करे जाते हैं सो so, जितनी भी हमारी स्टेटमेंट्स होती हैं चाहे वो कंडीशनल स्टेटमेंट्स है या लूपिंग स्टेटमेंट्स है दे आर स्ट्रक्चर्ड यूजिंग इंडेंटेशन ओके ऑल द स्टेटमेंट्स इन कंडीशनल एंड लूपिंग स्टेटमेंट्स आर स्ट्रक्चर्ड यूजिंग इंडेंटेशन ओके स्टूडेंट्स सो एक चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर कि हम जो भी इंडें जो भी हम स्ट्रक्चरिंग करेंगे वेदर हम वो कंडीशनल स्टेटमेंट हो या लूपिंग स्टेटमेंट हो उसकी इंडेंटेश उसकी स्ट्रक्चरिंग इंडेंटेशन के थ्रू होगी ठीक है एंड वी डोंट यूज करली ब्रेसिस फॉर स्ट्रक्चरिंग इन पाइथन प्रोग्रामिंग ठीक है हम जो स्ट्रक्चरिंग है वो इंडेंटेशन के थ्रू करते हैं और हम कर्ली ब्रेसिस का यूज़ नहीं करते ठीक है अब क्या करते हैं जो हमारे इंडेंटेशन होती है वो हमें बहुत ज़्यादा हेल्प करती है किसी भी कोड को अंडरस्टैंड करने में बहुत ज़्यादा हमारे लिए हेल्पफुल होती है ठीक है अब जो इंडेंटेशन हम कैसे देते हैं हम कैसे प्रोवाइड करते हैं इंडेंटेशन को हम बेसिकली वाइट स्पेसेस का यूज़ करके जो भी हमें लाइन लिखनी होती है उससे पहले हम वाइट स्पेसेस प्रोवाइड करते हैं ठीक है उस लाइन का इंडेंटेशन लेवल देने के लिए और जो कि हमें यह बताता है कि कैसे हमारी स्टेटमेंट्स ग्रुप होंगी सो so बेसिकली जब भी हमें किसी कोड लाइन को लिखना होता है उससे पहले हम वाइट स्पेसेस प्रोवाइड करते हैं और वो वाइट स्पेसेस ये बताते हैं कि हमारी लाइन का इंडेंटेशन लेवल क्या है ठीक है स्टूडेंट्स सो so, एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात हमने यहाँ पे क्या सीखी कि हम यहाँ पर जो भी हमारे पास कंडीशनल लूपिंग स्टेटमेंट्स होती हैं वहाँ पर हम इंडेंटेशन का यूज करके स्ट्रक्चरिंग करते हैं एंड हेयर वी डोंट यूज करली ब्रेसेस ओके सो नाउ वी गो फर्दर अब हम बात करते हैं कंडीशनल कंट्रोल स्ट्रक्चर्स की ठीक है हमने बात करी थी कि पाइथन के अंदर पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर हमें कुछ डिसीजंस लेने पड़ते हैं कुछ हमें डिसाइड करना पड़ता है कि हमारी पर्टिकुलर कंडीशन कब आएगी कैसे आएगी और हमारा कंप्यूटर उन सब स्टेटमेंट्स को कैसे एग्जीक्यूट करेगा ठीक है अब हम क्या होता है कई बार वॉट हैपन्स कि हमारा प्रोग्राम एक फ्लो को एक सिक्वेंशल फ्लो को जंप कर को छोड़ देता है एंड इट जम्प्स टू अनदर पार्ट ऑफ द कोड तो उसको हम बोलते हैं ब्रांचिंग ठीक है वेन ए प्रोग्राम ब्रेक्स द सीक्वेंशियल फ्लो एंड जम्प्स टू अनदर पार्ट ऑफ द कोड सो इट इज नोन एज ब्रांचिंग ठीक है ब्रांचिंग क्या होती है जब एक जगह से हम छोड़ करके हम दूसरे लेवल ऑफ कोड पे आ जाते हैं तो उसे हम ब्रांचिंग बोलते हैं अब ब्रांचिंग हमने पढ़ा था कि दो टाइप्स की होती है ठीक है हमारे पास ब्रांचिंग होती है टू टाइप्स की दैट इज कंडीशनल ब्रांचिंग एंड द अदर इज़ अनकंडीशनल ब्रांचिंग तो कंडीशनल ब्रांचिंग में क्या होती है जब भी हमारी ब्रांचिंग एक पर्टिकुलर कंडीशन पर बेस्ड होगी तो उसको हम बोलेंगे कंडीशनल ब्रांचिंग और जब हमारी ब्रांचिंग विदाउट एनी डिसीजन हैपन होगी तो उसको हम बोलेंगे अनकंडीशनल ब्रांचिंग ठीक है तो हम हमें ये पता है कि जो हमारी पाइथन लैंग्वेज है उसके पास बहुत ज़्यादा डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटीज होती हैं और वो कंट्रोल और डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स को सपोर्ट भी करती है ठीक है तो जो भी हमारी कंट्रोल और डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स होती हैं वो ब्रांचिंग के थ्रू इम्प्लीमेंट होती है ठीक है थीके? और हमारे पास यहाँ पर बहुत सारी कंट्रोल और डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स हैं जैसे कि इफ़ इफ़ एल्स नेस्टेड इफ़ एलिस लूपिंग एक्सेट्रा ठीक है सो so, अभी तक हमने ये सब पढ़ा इसके बाद हम देखते हैं कि हमारे पास जो डिफरेंट स्टेटमेंट्स है वो हमें आगे क्या बताते हैं कि कैसे उन क्या उनका पर्पज़ है क्या उनका यूज़ है हम उनको कैसे यूज़ कर सकते हैं ओके स्टूडेंट्स सो नाउ वी टॉक अबाउट इफ़ स्टेटमेंट ठीक है अब हम बात करेंगे इफ़ स्टेटमेंट के बारे में द इफ़ स्टेटमेंट इज अ पावरफुल डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट एंड इज़ यूज टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ स्टेटमेंट्स ठीक है जो हमारे पास इफ़ स्टेटमेंट है बहुत ज़्यादा पावरफुल डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट होती है एंड क्या करती है ये बेसिकली इट हेल्प्स टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ़ स्टेटमेंट्स कि हमारी स्टेटमेंट्स की एग, एग्जीक्यूशन कैसे होगी कि हमारी कौन सी स्टेटमेंट कब कैसे चलेगी उसको बेसिकली कंट्रोल करने के लिए ये हमें बहुत ज़्यादा यूजफुल होती हैं ठीक है थीके? अब इस स्टेटमेंट्स इस स्टेटमेंट का यूज़ करके इस स्टेटमेंट का हम यूज़ करके हम एक या एक से ज़्यादा स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट कर सकते हैं और जो एग्जीक्यूशन होता है इन स्टेटमेंट्स का वो डिपेंड करता है कि हमारी कोई कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है ठीक है तो जो भी हमारी स्टेटमेंट्स का एग्जीक्यूशन होगा वो ये डिपेंड करे वो उस चीज़ पे डिपेंड करता है कि हमारी कोई एक पर्टिकुलर कंडीशन ट्रू है या फिर फॉल्स है तो बेसिकली क्या होता है सबसे पहले हमारे पास इस स्टेटमेंट को हमें अगर कर यूज़ करना है तो हम सबसे पहले ये चेक करते हैं हम कंडीशन को चेक करते हैं अगर कोई कंडीशन ट्रू आती है तो हमारी जो भी स्टेटमेंट होती है इसकी बॉडी की वो एग्जीक्यूट हो जाती है ठीक है फर्स्ट द कंडीशन इज टेस्टेड इफ़ द कंडीशन इज ट्रू देन स्टेटमेंट्स आफ्टर कॉलन आर एग्जीक्यूटेड ओके स्टूडेंट्स तो अभी आपको पता है जैसे कि पैंडेमिक चल रही है तो अभी आप लोग प्रैक्टिस तो नहीं कर पा रहे हैं सो वेन एवर यू विल रिटर्न इन स्कूल तो हम यहाँ इसके प्रैक्टिकल्स भी करेंगे और तब आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि हम इसका सिंटेक्स कैसे लिखते हैं स्टेटमेंट का और हम प्रोग्राम्स को कैसे एग्जीक्यूट करते हैं सो so, अभी मैं आपको सिर्फ थेरेटिकल पोर्शन पढ़ा रही हूँ मैं सिर्फ बता रही हूँ आपको कि कैसे हमारी इफ़ स्टेटमेंट कैसे चलती है इसका पर्पस क्या होता है और कैसे हम इसको यूज़ करते हैं ठीक है स्टूडेंट्स सो so, अब हम बात करते हैं इफ़ एल्स स्टेटमेंट की अभी हमने बात करी इफ स्टेटमेंट की अब हम बात करेंगे इफ़ एल्स स्टेटमेंट की ठीक है अब हम चलते हैं द इफ़ एल्स स्टेटमेंट इज़ एन एक्सटेंशन ऑफ द सिंपल इफ़ स्टेटमेंट अब जैसे कि ये बता रहा है कि जो हमारी इफ एल्स स्टेटमेंट है बेसिकली ये एक्सटेंशन है हमारी जो इफ़ स्टेटमेंट है उसी का एक्सटेंशन है उसी को आगे थोड़ा इलेबोरेट कर रखा है उसी उसी की एक फर्दर एक्सटेंशन है तो द इफ़ एल स्टेटमेंट इवेल्युएट्स टेस्ट एक्सप्रेशन ठीक है सबसे पहले हमारी जो इफ़ एल स्टेटमेंट होती है वो सबसे पहले टेस्ट एक्सप्रेशन को जो भी हमारी कंडीशन होती है उसको इवेल्युएट करती है ठीक है एंड विल एग्जीक्यूट बॉडी ऑफ इफ ओनली वन टेस्ट कंडीशन इज़ ट्रू ठीक है और वो इफ़ की बॉडी को तभी एग्जीक्यूट करेगी जब आपकी कोई पर्टिकुलर कंडीशन ट्रू होगी ठीक है तो सबसे पहले हम किसी कंडीशन को चेक करेंगे अगर वो कंडीशन ट्रू होगी तो आपकी बॉडी ऑफ इफ़ एग्जीक्यूट हो जाएगी ठीक है और अगर आपकी वो कंडीशन फॉल्स होती है तो बॉडी ऑफ एल्स एग्जीक्यूट होगी ठीक है स्टूडेंट्स तो सब हमने क्या बेसिकली क्या पढ़ा इफ़ एल स्टेटमेंट के अंदर कि बेसिकली एक एक्सटेंशन है इफ स्टेटमेंट का ठीक है इसमें सबसे पहले हमारी एक कंडीशन टेस्ट होती है ठीक है अगर अगर आपकी कंडीशन अगर आपकी कंडीशन ट्रू होती है तो बॉडी ऑफ इफ़ चलता चलता है एग्जीक्यूट होता है अगर वो कंडीशन फॉल्स होती है अगर वो कंडीशन फॉल्स होती है तो आपकी एल्स की बॉडी के अंदर जो भी स्टेटमेंट होती है वो एग्जीक्यूट होती है ठीक है और यहाँ पर और भी क्या चीज मैंशन है इंडेंटेशन इज यूज्ड टू सेपरेट द ब्लॉक्स तो जो भी यहाँ पे ब्लॉक्स को सेपरेट करने के लिए ब्लॉक्स को डिवाइड करने के लिए अलग अलग शो करने के लिए हम इंडेंटेशन का यूज करते हैं ठीक है स्टूडेंट्स सो नाउ वी विल टॉक अबाउट इफ एलिफ एल्स स्टेटमेंट ठीक है अभी तक हमने दो स्टेटमेंट पहले पढ़ी जो थी इफ स्टेटमेंट एंड द सेकेंड वन वॉज इफ एल्स स्टेटमेंट अब हम बात करेंगे इफ एल इफ एल्स स्टेटमेंट की ठीक है वेन मल्टीपाथ डिसीजन आर इन्वॉल्व ठीक है जब भी हमें डिसीजन के लिए मल्टीपाथ एक मल्टीपाथ हाँ, होता है ठीक है तो वहां पर हम वी कैन पुट इफ़्स टूगेदर ठीक है जब हमारे पास एक मल्टी पार्थ डिसीजन इन्वॉल्व होता है तब तो वहां पर हम जितने भी इफ स्टेटमेंट्स होती हैं उनको इकट्ठे रखते हैं वी पुट ऑल द इफ्स टूगेदर अ मल्टी पाथ डिसीजन इज अ चेन ऑफ इफ्स एक मल्टी पाथ डिसीजन क्या होता है आपके पास एक बेसिकली इट इज़ अ चेन ऑफ इफ स्टेटमेंट इन विच द स्टेटमेंट एसोसिएटेड विद ईच एल्स इज़ एन इफ़ और एलिफ ठीक है ए मल्टीपाथ डिसीजन क्या होता है वो बेसिकली एक स्टेटमेंट्स की चेन होती है जिसमें हर एक स्टेटमेंट एल्स से जो जुड़ी होती है हर एक एल्स के साथ जो भी एसोसिएटेड स्टेटमेंट होती है इधर इट इज एन इफ स्टेटमेंट और एलिफ स्टेटमेंट ठीक है जो भी हमारे पास एल्स के साथ स्टेटमेंट एसोसिएटेड होगी इधर इट विल बी एन इफ और इट विल बी इफ ओके स्टूडेंट्स सो क्या है इसमें इफ द कंडीशन फॉर इफ स्टेटमेंट इज फॉल्स अगर हमारे पास इफ स्टेटमेंट की कंडीशन फॉल्स आती है तो इट चेक्स द कंडीशन ऑफ द नेक्स्ट एलिफ ब्लॉक एंड सो ऑन जब भी हमारी कंडीशन इफ स्टेटमेंट की फॉल्स आती है तो वो एलिफ ब्लॉक की कंडीशन को चेक करता है और वो आगे फर्दर चलता रहता है ठीक है और अगर हमारे पास सारी की सारी कंडीशंस फॉल्स आती हैं इफ़ ऑल द कंडीशंस आर फॉल्स बॉडी ऑफ एल्स एग्जीक्यूटेड ठीक है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं यहाँ पर हम इफ़ स्टेटमेंट को चेक करते हैं इफ़ की कंडीशन को चेक करते हैं अगर वो फॉल्स आती है तो हमारी कंडीशन आगे फर्दर एलिफ़ ब्लॉक पे चली जाती है हम एलिफ़ ब्लॉक को चेक करते हैं और अगर हमारे पास सारी की सारी कंडीशंस फॉल्स आ जाती हैं तो हमारी एल्स की जो बॉडी है एल्स स्टेटमेंट की जो एल्स जो है हमारी स्टेटमेंट उसकी बॉडी एग्जीक्यूट होती है ठीक है ओनली वन ब्लॉक अमंग द सेवरल इफ एल्स ब्लॉक्स इज एग्जीक्यूटेड अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ठीक है जब भी हमारे पास इफ एलिफ एल्स ब्लॉक्स के अंदर हमारे पास सिर्फ और सिर्फ कोई एक ब्लॉक ही एग्जीक्यूट होगा कंडीशन के अकॉर्डिंग ठीक है ओनली वन ब्लॉक अमंग द सेवरल इफ एल इफ एल्स ब्लॉक इज एग्जीक्यूटेड अकॉर्डिंग टू द कंडीशन द इफ ब्लॉक कैन हैव ओनली वन एल्स ब्लॉक ठीक है जो भी हमारे पास इफ ब्लॉक होगा उसके पास सिर्फ और सिर्फ एक एल्स ब्लॉक ही होगा ओके दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन द इफ ब्लॉक कैन हैव ओनली वन एल्स ब्लॉक ठीक है बट इट कैन हैव मल्टीपल एलिफ ब्लॉक्स जो हमारे पास इफ़ ब्लॉक होगा उसके पास सिर्फ एक एल्स ब्लॉक होगा बट इट कैन हैव मल्टीपल एलिफ ब्लॉक्स ओके स्टूडेंट्स तो ये थी हमारे पास इफ़ एलिफ़ एंड एल्स स्टेटमेंट तो इसके अंदर हमने क्या पढ़ा इसके अंदर हमने ये पढ़ा कि जब भी सबसे पहले हम कंडीशन चेक करेंगे इफ़ स्टेटमेंट की अगर उसकी कंडीशन फॉल्स आती है तो फर्दर हम आगे एलिफ़ ब्लॉक पे मूव कर जाते हैं ठीक है और अगर हमारे पास सारी की सारी कंडीशन फॉल्स आती हैं मतलब अगर हमारे पास इफ़ की कंडीशन भी फॉल्स आ गई एलिफ़ की कंडीशन भी हमारे पास फॉल्स आ जाती है तो हमारी जो बॉडी है वो एल्स की स्टेटमेंट की बॉडी एग्जीक्यूट होगी ठीक है और हमारे पास यहाँ पे सिर्फ अब जो तीनों स्टेट तीनों ब्लॉक्स हैं, इफ एलिफ एल्स ब्लॉक्स के अंदर सिर्फ हमारा एक ब्लॉक ही एग्जीक्यूट होगा कंडीशन के अकॉर्डिंग ठीक है इस ब्लॉक के अंदर हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक एल्स ब्लॉक होता है और हमारे पास इफ ब्लॉक के अंदर मल्टीपल एलिफ ब्लॉक्स हो सकते हैं सो so स्टूडेंट्स ये था इफ़ एलिफ एल्स स्टेटमेंट इसके बाद हम नेक्स्ट स्टेटमेंट के ऊपर चलते हैं तो नेक्स्ट स्टेटमेंट है हमारे पास नेस्टेड इफ स्टेटमेंट ठीक है नेस्टेड नेस्टेड इफ इफ स्टेटमेंट स्टेटमेंट तो नेस्टिंग नेस्टिंग अब हम हैं nested if statement के बारे में इज द प्रोसेस ऑफ प्लेसिंग द इफ और और इफ एल्स स्टेटमेंट इन एनदर स्टेटमेंट क्या होता है नेस्टिंग का एक बेसिकली प्रोसेस क्या कहता है कि हमारे पास सो so हमारी नेस्टेड इफ स्टेटमेंट के अंदर हम एक स्टेटमेंट के अंदर लाइक इफ स्टेटमेंट के अंदर हम फर्दर और स्टेटमेंट्स को प्लेस कर सकते हैं तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं नेस्टिंग ठीक है नेस्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ प्लेसिंग द इफ और इफ एल्स और एल इफ स्टेटमेंट इन एनदर स्टेटमेंट मतलब हम एक स्टेटमेंट के अंदर हम फर्दर नेस्टिंग कर सकते हैं फर्दर और स्टेटमेंट्स को प्लेस कर सकते हैं ठीक है वट हाउ डज इट हेल्प इट इनेबल्स अस टू मेक कॉम्प्लेक्स डिसीजन्स बेस्ड ऑन डिफरेंट इनपुट्स ये क्या करता है बेसिकली हमारे पास जब जैसे जैसे डिफरेंट डिफरेंट इनपुट्स आते रहते हैं तो उसके बेसिस पे हमें ये कॉम्प्लेक्स डिसीजन्स को बनाने में ईजी कर देता है हमारे लिए प्रोसेस को ईजी कर देता है ठीक है तो ये थी हमारे पास नेस्टेड इफ की स्टेटमेंट नेस्टेड इफ में क्या होता है हमारे पास हम बेसिकली नेस्टिंग अप्लाई कर देते हैं हम एक स्टेटमेंट के अंदर हम फर्दर और स्टेटमेंट्स को प्लेस कर देते हैं एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज नेस्टिंग ठीक है स्टूडेंट्स तो दिस वॉज टिल नाउ अभी तक हमने चार स्टेटमेंट्स पढ़ी हैं हमने सबसे पहले पढ़ी इफ स्टेटमेंट उसके बाद हमने पढ़ी इफ एज स्टेटमेंट देन हमने पढ़ी इफ एल इफ एल्स स्टेटमेंट एंड दन वॉज नेिंक यहाँ तक के लिए अभी तक बहुत है सो so, uh, आगे का जो हम uh, चैप्टर है वो हम नेक्स्ट क्लास के अंदर कवर करेंगे टिल देन आई विल एडवाइज यू कि आप एक बार चैप्टर को खुद अकेले रीड बैठ करके रीड करें सो दैट इट मेक्स